तो ब्रो लोग कैसे हो। देखो आज जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है बट एट द सेम टाइम ऑसम भी है। हाँ मैंने थंबनेल वाला लाइन ही चेप दिया इधर। वियर्ड इसलिए बोला क्योंकि ऐसा टाइप का चीजें बहुत कम एनिमे में देखने को मिलता है। ये स्पूकी भी नहीं है, हॉरर भी नहीं है, मिस्ट्री भी नहीं है। हाँ कुछ कुछ जगह छोटे छोटे मिस्ट्री है बट फनी और एक्शन पैक्ड है बहुत ज्यादा। एनिमे का नाम है दे दनादन, अरे एनिमे का नाम है दांदादान। और मुझे नहीं पता कि मैं बार बार दे दनादन और दांदादान में क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ। बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। 3 हफ्ते पहले आया हुआ एनिमे हर जगह पे ट्रेंड कर रहा है और सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है ये। देखो इस एनिमे के बारे में मैंने अपने न्यूज वाले वीडियोज में कवर करके रखा है कि आने वाला था ये एनिमे और आ गया है अक्टूबर में। बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना क्रेजी होने वाला है। मुझे लगा कोई ऐसे ही रानी में आने वाला होगा। शुरू करते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग ही बहुत अजीब हुई है। लाइक यूजुअली ऐसा स्टार्टिंग बहुत कम एनिमे में देखने को मिलता है कि अचानक से शुरू होते ही बूम बम सब कुछ शुरू हो गया। एक लड़की है जो कि शायद एमसी है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक उतना रिसर्च नहीं किया इस एनिमे के बारे में। और अगर सच बात बोलूं तो मैं ये वीडियो विदाउट स्क्रिप्ट ही बना रहा हूं। तो उसके पेट पे लात पड़ने से ये एपिसोड 1 शुरू होता है और उसके थोड़े बाद ही पता चलता है वो उसका बॉयफ्रेंड था और उससे ही पता चल गया था कि ये लड़की बहुत ऊंची पहुंच वाली है। लाइक गलत वे में नहीं अच्छे वे में बोल रहा हूं कि थोड़ी फंकी है। और उसके बाद उसके दो दोस्तों से इंट्रोड्यूस कर रहा था, भाई ये क्या है, ये क्या आदिवासी वाला कॉस्ट्यूम है या मेकअप है, ये क्या है। उसके बाद और एक बंदे से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि बेंच पे बुली हो रहा था सबसे और ये लड़की जाके उसको बचाती है और पूरी क्लास की गांडी फट जाती है कि भाई इस बंदे को ये लड़की डिफेंड क्यों कर रही है। लाइक वो बंदा नर्ड था, बाय द वे तांजिरो का वॉइस एक्टर यूज किया गया इस बंदे में, और एक नर्ड के पास इतना ज्यादा स्टाइलिश गर्ल कैसे। और यही करते करते दोनों में कॉन्वर्सेशन बातें शुरू हो जाती है। लाइक वो लड़का लड़की के पीछे बिल्कुल चिपक जाता है क्योंकि उसको डेस्परेटली एक फ्रेंड की जरूरत थी और ये लड़की ने उसको एक साइन दे दिया था, बेसिकली उसको बुली होने से बचाया बट इसको लगा कि यही साइन है जल्दी लिपट लेते हैं। ऐसे करते करते दोनों में कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया था। और देखो ओपनिंग में जो हमें सॉन्ग देखने को मिला दांदादान का, पहली बात तो बहुत ही गजब बहुत ही ओपी सॉन्ग है। पहले के कुछ पार्ट्स जो रैप में शुरू होते हैं वो मैशले मैजिक एंड मसल्स जो एक एनिमे है उसका इंट्रो से बहुत मैच करता है क्योंकि आई थिंक सेम लोगों ने बनाया ये। और उसके बाद गाने का अचानक पेस चेंज होता है और भाई स्मूथ। तो ओपनिंग से समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है इस एनिमे में क्योंकि एलियंस भूत उतना कुछ समझ तो नहीं आया बट बहुत क्रेजी चीज होने वाला है ये ओपनिंग से हमको पता चल गया था। और वो एपिसोड 1 में ही दिख जाते हैं। लाइक बिल्कुल देरी नहीं की, एपिसोड बहुत जल्दी शिफ्ट होते हैं। लाइक जो स्टोरी है ऐसे ऐसे करके पेस बदलती है, बहुत स्पीड से स्टोरी निकलती है। फिलहाल के लिए 3 ही एपिसोड्स के आए हैं और तीनों ही एपिसोड्स में क्या ही काम किया है, एकदम फिनोमिनल। लाइक अगर आर्ट स्टाइल की बात किया जाए तो ये आर्ट स्टाइल बहुत ज्यादा कम एनिमेज में हमको अडेप्ट होते हुए दिखता है। लाइक मैंने लास्ट जो एनिमे देखा था ऐसा आर्ट स्टाइल वो था मॉब साइको, और किसी भी एनिमेज में मुझे ऐसे आर्ट स्टाइल नहीं देखने को मिला। लाइक ये मोटे मोटे आउटलाइंस कैरेक्टर्स के फिगर ड्रॉ करने से और ये जो इतने ज्यादा कलरफुल इफेक्ट्स हैं ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आते बट इस एनिमे ने जैसे प्रेजेंट किया है हमको इन चीजों को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा, आंखें बहुत ज्यादा सुंदर ग्रैप कर रही है इसको। ये कैसी बातें करने लग गया हूं मैं, आंखें ग्रैप कर रही है। एनीवेज इस एनिमे का कैरेक्टर इंट्रोड्यूसिंग का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक लग रहा है अब तक। एपिसोड 3 में जब ग्रैनी का एंट्री होता है ब्रो, वो ग्रैनी लगती कौन से एंगल में है, लाइक तुम देखो एक बार। बूढ़े आदमियों का सब कुछ सूखा जाता है और इनका लाइक ये कब सूखेंगी, 100 साल बाद, और भाई स्मोक कर रही है क्या। और इस ग्रैनी को देख के और एक ग्रैनी का मुझे याद आ गया जो कि दोनों कंपटीशन दे सकते हैं एक दूसरे को। हिंट अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं लेडी सुनाडे की बात कर रहा हूँ। लाइक फिर भी सुनाडे को यंग दिखने के लिए उसको स्पेल का यूज करना पड़ता था बट ये विदाउट स्पेल ही इतनी सुंदर इतनी यंग दिखती है। अब स्पेल आता है कि नहीं, स्पेल डाला है कि नहीं अपने ऊपर ये तो नहीं पता, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही दिखेगा। और शायद मैं इसका मांगा भी पढ़ना स्टार्ट कर दूं क्योंकि इसका मांगा अवेलेबल है, अब तक तो 170 चैप्टर्स आए हुए हैं मांगा में। मुझे नहीं पता आगे और आएंगे कि नहीं बट मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है क्योंकि बहुत मस्त लग रहा है ये एनिमे और मुझसे वेट नहीं हो रहा। एनिमे अगर देखना है तो म्यूज इंडिया वाले यूट्यूब चैनल पे तुम फ्री में जाके देख सकते हो, 3 एपिसोड्स आ भी चुके हैं। और शो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि ये हमें पहले से ही स्टार्टिंग एपिसोड 1 से ही हमको समझा दिया गया है क्योंकि एपिसोड 1 इज काइंड ऑफ वाइल्ड। लाइक ये सब चीजें जो तुम देख रहे हो ये यूजुअली एनिमेज में दिखाते नहीं है क्योंकि अगर ये सब दिखाया तो ये एडल्ट एनिमेज में काउंट हो जाते हैं, और अगर दिखाते भी है तो कुछ एपिसोड बाद, लाइक इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाए, ऑडियंस को समझने के लिए थोड़ा टाइम दो, उसके बाद दिखाते हैं। बट ये एनिमे डजंट केयर, अभी डाल दो। और सभी इसको चेंसो मैन से कंपेयर कर रहे हैं, लाइक ये इस साल खत्म होने होने तक ये चेंसो मैन का हाइप ग्रैब कर लेगा, और मुझे जितना लगता है करना भी चाहिए क्योंकि ये इतना हाइप वाला एनिमे है। और अगर तुम
मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करो, ये एनिमे मुझे चेंजसो मैन से अच्छा लगा। हाँ सॉरी चेंजसो मैन फैन वाले, मुझे चेंजसो मैन थोड़ा सा ज्यादा एनोइंग लगता है कुछ कुछ जगहों पे। ऐसा लगता है लाइक उसका आर्ट स्टाइल थोड़ा जबरदस्ती ठूसा हुआ है। अब बहुत लोगों को खराब लगेगा बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसा भी नहीं मैं हेट करता हूँ चेंजसो मैन को, नहीं, बट ये वाला एनिमे चेंजसो मैन से थोड़ा ऊपर है। तो बस ये देखता वीडियो देखो, एनिमे के 3 एपिसोड है, ज्यादा कुछ बकने के लिए है नहीं। और क्योंकि हाइप में चल रहा है सभी वीडियोस बना रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी हाथ मार लूं। वैसे तो व्यूज कम आ ही रहे हैं हाइप एनिमे को थोड़ा डिस्कस करके, क्या पता ज्यादा व्यूज आ जाए थंबनेल और टाइटल लगा के। बट देखो लिटरली अगर तुमने ये वॉच लिस्ट में अभी तक डाला नहीं और अगर देखना शुरू नहीं किया तो जल्दी देखो, क्योंकि लिटरली वर्थ इट है। और अगर तुम मेरे जैसे बंदे हो कि तुमसे 3 एपिसोड देखने के बाद रहा नहीं जा रहा, तो दो उपाय कर सकते हो। पहला मांगा पढ़ सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास मांगा पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है तो अपने अंदर के छोटू को शांत कर लो ताकि एनिमे खत्म होने के बाद देख सको तुम। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।